ठंड के टाइम में हर किसी के घर में मूली तो पड़ी ही होती है, लेकिन मूली तो होती है लेकिन जो पत्ते होते हैं उसे फेंक दिए जाते हैं। तो आप एक बार ये मूली के पत्तों की सब्जी ट्राई कर देखना, बहुत ही बढ़िया सब्जी है और दाल और रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। इंस्टेंट रेसिपी है एकदम, तो इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। ऐसी कई सब्जियां होती है जो हम जानते भी हैं कि वो अच्छी है, जैसे कि करेले हो गए, टिंडे हो गए, मूली हो गई, मूली के पत्ते, जानते हुए भी कि ये अच्छे हैं तब भी नहीं खाते उनको, ऐसा होता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी सब्जियों को भी इंक्लूड करें जिनको आप निग्लेक्ट करते हो, और उनको भी प्यार करना सीखें, यानी कि उनका भी टेस्ट डेवलप करें। तो इस वैलेंटाइंस डे पे आप उन सब्जियों को ज़रूर ट्राई करें जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको भी थोड़ा प्यार दें। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूली के पत्तों की सब्जी, जो मुझे पता है कि आप फेंक देते हो डस्टबिन में, लेकिन एक बार ये सब्जी बनाकर आप देखना, बहुत बढ़िया और बहुत हल्की सब्जी है और रात को दाल के साथ खाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बन। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूली ली है, और जो ये मूली के पत्ते हैं आप सीधा सीधा तोड़ के इनको अलग कर लेना। ध्यान रहे, मूली में पत्ते ऊपर होते हैं और मूली नीचे होती है, जितनी इम्प्योरिटीज जो होती है वो मूली के पत्तों में ही होती है, तो पत्तों को सही से साफ करना बहुत जरूरी है। तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि ये पत्ते निकाल लेता हूँ और थोड़ा सा डंठल ले लेना, पूरी डंठल मत ले लेना, थोड़ी सी डंठल ही लेना, यानी कि पतला वाला पार्ट। मोटा वाला पार्ट अगर आप लोगे तो वो सही से गलेगा नहीं, सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने मूली के पत्तों को यहाँ पर दो बारी तो अच्छे से धोया है, अच्छे से मतलब जैसे कपड़ों को धो डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे अच्छे से धोया है और अच्छे से छान भी लिया है। लेकिन तीसरी बारी मैंने ऐसा किया है, एकदम गरम गरम पानी में पत्तों को भीगने के लिए छोड़ दिया है लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ही इनफ होंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना, नहीं तो पत्ते एकदम गल से जाएंगे। इससे ये होगा कि पत्तों में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आराम से निकल जाएंगे। जब तक हमारे पत्ते भीग रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मूली भी चॉप कर लेते हैं। अब मूली को बहुत बड़े बड़े पीसेज में मत काटना, अगर आप बड़े बड़े पीसेज में काटोगे तो उनको गलने में बहुत दिक्कत होगी। थोड़े छोटे पीसेज में काटना, और कोशिश आप ये करना कि आप ठंड की बढ़िया वाली मूली लो, ना तो बहुत बड़ी हो और मोटी सी हो, ना तो बहुत छोटी सी हो और बहुत तेज़ हो, नहीं 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 मीडियम साइज़ की मूली हो, जो हल्की सी मीठी मीठी होती है ना, वैसी मूली हो, वही लेना, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और उसको आप ऐसे चॉप कर लेना। आप देख सकते हो कि जो पतला वाला पार्ट था मैंने उसको ऐसे गोल गोल में ही काट दिया है, लेकिन जो बड़ा वाला पार्ट था उसको हाफ में डिवाइड करके फिर हाफ करके ऐसे छोटे छोटे पीसेज में डाइस कर दिया है। ध्यान रहे, इससे बड़े पीसेस में मत करना, नहीं तो गलाने में दिक्कत होगी। अब रही बात पत्तों की, तो पत्तों का पानी से निकाल लेना और उनको भी एकदम रफली चॉप कर लेना। तो फटाफट से कुकिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस सब्जी में मूली के अलावा आपको चाहिए होगा एक टमाटर, अदरक, दो हरी मिर्चें ली है मैंने, और लहसुन लिया है काफ़ी सारा। लहसुन को आप एकदम रफली चॉप कर लेना, हरी मिर्च को भी, अदरक को भी और टमाटर को भी। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप यहाँ पर देसी टमाटर का इस्तेमाल करना, जो खट्टा खट्टा होता है ना, देखो स्वाद तो तभी आएगा निकल कर अगर देसी टमाटर होगा, हाइब्रिड में वो बात नहीं आती। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये सब्जी बढ़िया लगती है, आपको तो पता ही है कि ये कच्चा सरसों का तेल है, तो पहले इसको आप हाई फ्लेम पर रखना जब तक इससे धुआं आना शुरू नहीं होता, और फिर ही हम यहाँ पर कुकिंग को प्रोसीड करेंगे। तो इस गरम गरम तेल में मैंने यहाँ पर डाले हैं राई के दाने, जीरा डाला है यहाँ पर काफ़ी सारा, थोड़ा सा मेथी दाना, और फटाफट से आप यहाँ पर सबसे पहले, जैसे ये सब चीज़ें पॉप होने लग जाए, तो आप यहाँ पर सबसे पहले कटी हुई लहसुन डाल देना, और लहसुन के साथ साथ आप यहाँ पर टमाटर डालना। देखो इसी प्रोसेस में करना, क्योंकि लहसुन थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी होगी तो अच्छी लगेगी, टमाटर हमें तो पूरे गलाने ही हैं, और आपको तो पता ही है कि टमाटरों के बाद सबसे पहले यहाँ पर नमक डालना है ताकि ये टमाटर जल्दी से गले, वैसे भी देसी टमाटर है तो जल्दी ही गलेंगे, और बाद में ही आप यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक डालना कि अदरक जले ना और हरी मिर्च की स्पाइसीनेस निखर कर आए। खैर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालना भूल गया, वो थी हींग। तो मैंने यहाँ पर इस टाइम पर हींग डाली है, लेकिन आप शुरुआत में मेथी दाना के बाद हींग जरूर डाल देना।
इस रेसिपी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हल्दी। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर डालनी है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मसालों को जलने से पहले, भैया जलाने नहीं है मसाले, तो फिर आप यहाँ पर फटाफट से मूली भी डाल देना। अभी मूली के पत्ते मत डालना क्योंकि वो तो हमने पहले ही गरम गरम पानी में रखे थे ना, तो थोड़े थोड़े पक चुके हैं। अभी आप यहाँ पर बस कटी हुई मूली डालना। हमें मूली को गलाना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मूली को भुनेंगे इस मसाले के साथ, थोड़ा सा, लगभग 2 से 3 मिनट ही आपने भुनना है। और 2 से 3 मिनट के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना और इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देना 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर आपको पकाने की टेंशन नहीं है, मूली जल्दी ही गल जाती है। अब 2 से 3 मिनट के बाद मूली हाफ कुक हो चुकी होगी, तो इस पॉइंट पे आपने यहाँ पर डालने हैं मूली के पत्ते। और अब आपने ढककर नहीं पकाना, अब आपने इसको पूरी तरीके से नहीं ढकना, हाफ ढकने से ये होगा कि मूली के पत्तों का कलर जो है वो थोड़ा सा रिटेन रहेगा, उनकी ग्रीननेस बनी रहेगी। आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है, ताकि मूली भी गल जाए और पत्ते भी उसके साथ अच्छे से मिल जाए। और बस 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप बस चेक कर लेना कि मूली सही से गली है या नहीं गली है। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए मूली। तो अगर मूली अच्छे से गल गई है तो आपकी ये सब्जी बनकर पूरी तैयार है। अरे वाह, तो फटाफट से इसको सर्व कर देते हैं थोड़ी सी दाल के साथ। ये मूली की सब्जी हो, रात को लाइट सी सब्जी है, और साथ में एक बढ़िया सा फुल्का हो, थोड़ा सा इस पे घी लगा देता हूँ। ओहो, इसको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके बाद आप मूली के पत्ते ऐसे फेंकोगे नहीं।